अगर आप भी ऐसी फोटो एडिटिंग करना या सीखना चाहते हैं तो वीडियो को फुल वॉच करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अपने लाइट रूम को कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद आपको जो फोटो एडिट करनी है उसको कर लेना है सेलेक्ट। जैसे कि मुझे ये फोटो मैंने पहले ही सिलेक्ट कर दी है। इस फोटो को एडिट करके दिखाता हूँ कि इसे कैसे एडिट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कलर वाले ऑप्शन में चले जाना है। उसमें जाने के बाद आपको जो इसकी टेम्परेचर है इसको कर लेना है +10। और जो इसकी लाइट है उसको कर लेना +8। उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी जो वाइब्रेशन है इसको कर लेना है +21 या 20 कर लेना है। फिर आपको जाना है मिक्स टूल में। सबसे पहले आपको ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको सेचुरेशन को नहीं, पहले आपको हुई को करना है। हुई को ले जाना है आपको +10 पर। फिर आपको जो लुमिनस है इसकी, इसको कर लेना है आपको, पहले इसकी सेचुरेशन को कर लो 10। जो इसकी लेमिनेशन है उसको कर लेना है आपको 21 प्लस। फिर आपको क्या करना है, येलो कलर को सिलेक्ट कर लेना है। फिर इसकी जो हुई है इसको 100 कर देना है माइनस। और जो इसकी सेचुरेशन है इसको भी आपको -100 कर देना है। और जो इसकी लुमिनस है उसको -20 कर लेना है। इसके बाद आपको जाना है ग्रीन कलर में। ग्रीन कलर में जाने के बाद जो इसकी हुई है इसको 100 कर देना है। और जो इसकी सेचुरेशन है इसको भी 100 कर देना है। और जो इसकी लुमिनस है इसको आपको कर लेना है 20 माइनस। इसके बाद आपको जाना है पिंक कलर में। पिंक कलर में जाने के बाद जो इसकी सेचुरेशन है इसको आपको 18 बनकर पर प्लस कर लेना है 81। कर लिया मैंने, तो उसके बाद आपको इसको कर लेना है डन। डन करने के बाद आपको फिर जाना है ऊपर एक साइड में, आपको ये 3 डॉट दिख रहे होंगे मिक्स साइड में, आपको इसके ऊपर टैप कर देना है। फिर आपको क्या करना है, नीचे आना है, जो इसकी लुमिनस है इसको आपको -40 कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर साइड में स्क्रो करना है इसको ऐसे जैसे मैंने अब किया है। इसकी आपको हुई जो हुई है इसको आपको करना है, इसको आपको बता देता हूँ। इसको आपको क्या करना है, प्रेस करना है। जिसकी हुई होगी आपको 202, 123 कर लेनी है। और इसकी सैचुरेशन 58 कर लेनी है। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको कर लेना है। इतनी कर लेनी है आप लोगों को, ताकि आपकी जो भी फोटो है थोड़ी ही कलरफुल लगे। ये दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे जाना है और जो इसकी ब्लेंडिंग होगी आपको इसको क्या करना है, +10 कर देना है। इसके बाद आपको इसकी जो बैलेंस है इसको आपको कर लेना है +15। फिर आपको कर देना है डन। डन करने के बाद आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन में चले जाना है। इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको क्लियरिटी को कर लेना है फुल। क्लियरिटी कर लेना 21 प्लस कर लेना है। इसके बाद वैगनिटी है जो इसको आपको कर लेना है इसको 13 माइनस। मैंने इसको 31 कर लिया है। जिसको फेदर है आपको इसको कर लेना है 16 प्लस। इसके बाद आपको कर देना है डन। नीचे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा डिटेल का, आपको इसमें चले जाना है।
इसकी जो शेयर पेनिंग होगी इसको आपको कर लेना है 21 प्लस कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे जाना है, नॉइज़ को, नॉइज़ रिड्यूसर को कर लेना है आपको 115, मतलब तो आपको इसके नीचे जाना है, कलर्स वाले ऑप्शन है, कलर नॉइस रिडक्शन को कर लेना है आपको फिर से 115। हमारी ये जो फोटो है अब ये एडिट हो चुकी है, आपको क्या करना है, आप इस फोटो को आप देख सकते हैं कि फुली एडिट हो चुकी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।